तो हाय, आज देखो इस सीरीज का दूसरा अनबॉक्सिंग में आज करने वाला हूँ रिव्यू। तो देख सकते हो यहाँ पर एशियन की दूसरा शू आ चुका है मेरा हाथ में, और इसका पहले जो शू का अनबॉक्सिंग किया था वो वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो इसका जो पीछे की इन्फॉर्मेशन है कौन सा शू है बहुत लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा, तो फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एशियन का शू है और मैंने मंगाया था UK 9, और यहाँ पर देख सकते हो इसका जो MRP है 999 है। तो इसका इतना तुम लोगों को बिल्कुल पे नहीं करना होगा, कितना पे करना होगा ये मैं तुम लोगों को ज़रूर बता दूंगा। और इसका जो आर्टिकल नंबर यहाँ पर देख सकते हो SEVER 15 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं शो कर दूंगा तो वहाँ पर भी तुम लोग देख सकते हो। तो चलो अब इस शो को ओपन करता हूँ। तो ओपन करने का साथ साथ यहाँ पर देखो वीरेंद्र सहवाग की एक सिग्नेचर वाला पेपर मिल जाएगा, और यहाँ पर एशियन भी लिखा हुआ है। तो उसका बाद देखो यहाँ पर देखो शूज़ जो है ना, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है फर्स्ट लुक देखने में। तो मेरा हाथ में देख सकते हो दोनों शू सच में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। एक्चुअली इतना कम प्राइस का शू ऐसा होगा मैंने तो सोचा भी नहीं था यार। तो अब इस शू को पूरा देखूंगा, पहन के भी देखूंगा कैसा लगता है, क्या है शू, तो सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखना। तो चलो मैं देखो इसका जो वेट है ना उतना ज़्यादा तो है नहीं है, तो इसका वेट थोड़ा सा और भी कम कर देता हूँ। तो इस टाइप का जो पेपर रहता है ना, एक्चुअली इसका जो शू का जो शेप है, शेप मेंटेन रखने के लिए इस टाइप का पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस शू से भी मैं निकाल लेता हूँ वो जो पेपर है। तो चलो ये रहा पेपर, तो देख सकते हो। और यहाँ पर एक प्लास्टिक, क्यों पता नहीं अभी का शू में इस टाइप का प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। एक्चुअली पहनने पर व्हाइट शू है ना थोड़ी सी गंदा नहीं होगा, इसलिए शायद ऐसा मिल रहा है। तो लेकिन ये चीज़ मुझे उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आता ये जो प्लास्टिक है। तो चलो इसे कर देता हूँ ठीक ठाक। अब इसे भी कर देख सकते हो, प्लेन व्हाइट कलर की शू है। एक्चुअली सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है शू, और इसका जो फिनिशिंग है ना, फिनिशिंग सच में बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी का फिनिशिंग है। और इसका जो लेदर का इस्तेमाल किया गया है ना, तो 400 में 500 में इस टाइप का लेदर भाई मैं तो अभी तक नहीं देखा। इतना अच्छा क्वालिटी का सिंथेटिक लेदर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और इसका स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जिन लोगों ने किया है ना, तो सच में काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है उन लोगों के लिए, तो एक थम्स अप में ज़रूर देना चाहूँगा। और इसका जो देख सकते हो प्लेन व्हाइट कलर का शू है, और यहाँ पर सिर्फ और एक कलर इस्तेमाल किया गया है, थोड़ी सी यहाँ पर ब्रांडिंग पर सिल्वर कलर इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका जो ब्रांडिंग देख सकते हो, यहाँ पर पीछे एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, और टांग पर एक ब्रांडिंग, इनर सोल पर एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो ओनली 3 ब्रांडिंग्स देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा बात है। और एशियन की शू है तो इतना कम प्राइस में तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदर्स कंपनी ऐसा नहीं देता है। तो 500 में कौन सा स्नीकर सबसे बेस्ट है, तो ज़रूर मैं तो इस स्नीकर का नाम तो अब मैं ज़रूर लेने वाला हूँ। तो इस शू का जो MRP था, देखो तुम लोगों ने देखा ही होगा 999 इसका MRP है, लेकिन मैंने भी बाय किया अंडर 500 में, लेकिन अभी इसका प्राइस जो है ना 399 पर आ गया है। तो उसका लिंक मैं हमेशा की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके बाय कर सकते हो इस शू को। तो ये जो शू है कैसा है अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो इसका जो लेस की क्वालिटी है ना, सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट में ऐसा लेस कोई भी कंपनी आशा करता हूँ नहीं देता है। और इसका जो टांग की क्वालिटी है ना, टांग भी काफ़ी सॉफ्ट सा टांग है, डिसेंट सा टांग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर टांग के ऊपर एक लेदर पैच देखने को मिल जाता है, और देखो अंदर एक नॉर्मल सा पैडिंग वैडिंग यूज़ किया गया है, तो उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन डिसेंट सा ठीक ठाक सा टांग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसका जो कॉलर है ना, कॉलर भी ठीक ठाक सा डिसेंट सा कॉलर इस्तेमाल किया गया है। कॉलर की जो शेप है ना, ये लगभग ठीक ठाक है। एक्चुअली उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं और उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉलर भी देखने को मिल जाता है। शू की जो लेस की होल पर यहाँ पर कोई भी मेटल रिंग तो यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबल हो शू इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा और एक लेदर की पैच यूज़ किया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। और इस शू का स्ट्रेचिंग का बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस शू का मेन जो पॉइंट है सोल के बारे में। यहाँ पर देख सकते हो एक प्लास्टिक टाइप का रॉबर सोल यूज़ किया गया है, तो ये इस प्राइस पॉइंट का हिसाब से सही है। इस प्राइस पॉइंट में यही सोल यूज़ होता है देख सकते हो तुम लोग। और सोल
के ऊपर काफ़ी अच्छा अच्छा पैटर्न्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर डॉट डॉट सी पैटर्न्स देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लाइन भी देखने को मिल जाता है। और शू की जो पीछे की जो सोल है ना, पीछे की जो सोल की डिज़ाइन उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लग रहा है शू। एक्चुअली बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस प्राइस पॉइंट में ऐसा शू है कोई बता भी नहीं पाएगा भाई ये 400 का शू है। तो देखो यहाँ पर जो फिनिशिंग है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सोल की जो पैटर्न है देख सकते हो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और पीछे यहाँ पर 9 साइज लिखा हुआ है, मैंने 9 साइज बाय किया था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका अंदर भी मैंने हाथ डाल के देख रहा था तो अंदर बहुत ही कम पैडिंग किया गया है लेकिन ठीक ठाक सा है, अच्छा कम्फर्ट तुम लोगों को मिल जाएगा। और अब मैं बता देता हूँ इसका जो इनर सोल का बारे में। तो देखो इनर सोल यहाँ पर बाहर निकल जाता है तो इनर सोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्ट्राइट पॉइंट में यही मिलता है हर एक शू में, तो ये थोड़ी बहुत स्ट्रांग होता है, एक इबा शीट बोलता है इसे शायद। और यहाँ पर पीछे एक देखो हार्ड एक और एक लेयर ऐड किया गया, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देख सकते हो एशियन कैजुअल फिट लिखा हुआ है और इसका जो साइज़ है 9 साइज़ ये लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा इस प्राइस पॉइंट में। तो अब मैं इस शू को पहन के देखूंगा, पहनने की बात कैसा लगता है ये तो तुम लोग मुझे ज़रूर बताना। और इस टाइप की कॉन्टेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो ये जो शू देख सकते हो प्लेन व्हाइट कलर का शू है और पहनने की बात कैसा लग रहा है ये तुम लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो पर्सनली ये जो शू है देखने में ठीक ठाक लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ठीक ठाक नहीं है और ठीक ठाक कंफर्टेबल है, उतना ज़्यादा अच्छा कम्फर्ट तो नहीं मिलता है इस टाइप का प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन बहुत ही अच्छा कम्फर्ट भी देखने को मिल जाता है। देखो अब मुझे ऐसा लगता है कोई भी मुझे ये सवाल करेगा भाई अंडर 500 में कोई शू रिकमेंड कर दो, तो मैं इस शू को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो बहुत ही अच्छा शू है, बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और अभी ये जो शू है ना काफ़ी कम प्राइस पर मिल रहा है। एक्चुअली मैं अंडर 500 में इसे बाय किया था लेकिन अभी ये जो शू है ना अंडर 400 में ही तुम लोगों को मिल जाएगा। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हो तुम लोग। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये शू, तो पहनने की बात भी अच्छा है। तो तुम लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस टाइप की कॉन्टेंट देखना पसंद करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।